इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके अर्ज करने लगा, ऐ नवासा ए रसूल, औरत की वो कौन सी आदतें हैं, काम हैं जो घर से बरकत, रिज्क, खुशहाली मोड़ देते हैं और आपस में इख्तलाफात के सबब बनते हैं। बस जैसे ही ये पूछा गया तो नवासाए रसूल इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, औरत की चार आदतें वो हैं जो घर को बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं और आपस में इख्तलाफात पैदा करती हैं। पहली आदत फजूल खर्च करना, दूसरी आदत बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, गीबत करना, तीसरी आदत बार बार झूठ बोलना और चौथी आदत सोचने से पहले बात करना। याद रखना, याद जिस रखना, औरत में ये चार आदतें होती हैं वो औरत घर को बर्बाद कर देती है और आपस में इख्तलाफात को इस तरह से पैदा करती है कि घर का कोई भी बंदा किसी से मोहब्बत नहीं करता। अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर पुरसुकून रहे तो अपनी औरतों से कहो इन चार बीमारियों से दूर रहें, अल्लाह के फजलो करम से वो अपने घर में अमन और सुकून और खुशहाली पाएंगे।